दिल्ली की मुगल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जामा मस्जिद, एंड दिल्लीites लव विजिटिंग दिस प्लेस फॉर द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, शॉपिंग, ओल्ड दिल्ली चार्म एंड ऑफ कोर्स इंडियाज बेस्ट मुगलाई क्यूजीन। सो हम जामा मस्जिद के फूड लेन में आ चुके हैं, वी आर स्टैंडिंग राइट देयर। Today we are on a food journey to taste some authentic Mughlai delicacies. Oh my God! एक है ना नफरत, एक है ना मोहब्बत है। मुझे मोहब्बत दे दे। वहाँ तक पहुँच पाएंगे ऑर्डर करने तक? पता नहीं यार। We have 5,000 rupees, two foodies, one location, and a lot of delicious food to eat. पर अच्छी बात ये कि भुक्कड़ की तरह हमें खाना खत्म नहीं करना है। We can just taste the food and actually enjoy the food. We are going to try everything. तो तुम्हें क्या लगता है 5,000 रुपए स्पेंड कर पाएंगे? बातचीत नहीं करेंगे, चलेंगे, चलो खाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ। While looking for our first food stop of the evening, we noticed this one roadside place जहाँ पे बहुत सारा crowd था, and we got to know that it's a 72-year-old legacy of kebab making here at Qureshi Kebab Corner. Okay, so we are here and ऐसा लग रहा है कि पूरे जहाँ मतलब जितने लोग हैं सब कबाब खाने ही आए हैं आप। वहाँ तक पहुँच पाएंगे ऑर्डर करने तक? पता नहीं है। टोकन लेना है? अब कैश दो भाई, हमारे 5,000 में से कैश दो। एक प्लेट मटन कबाब, एक प्लेट चिकन कबाब। तो प्रोसेस ये है कि आओ कुरेशी कबाब कॉर्नर पे, पहले टोकन लो and then wait for your kebabs. Fastest way to get kebabs is carrying cash. So I am eating chicken. उसके पास मटन है। मटन है। I don't know what this is, but it's yum. Hi. Oh my God. मतलब कहते हैं ना कि मुंह में घुल गया। I think इसके कबाब करने के लिए कहा गया होगा ये। The chicken is much better than मतलब really? Yeah, I like chicken better. The chicken is more like falling apart in yes, your mouth. Yes, बहुत tender है, एकदम juicy है. हमने रुमाली रोटी लिया नहीं क्योंकि हम पेट जल्दी नहीं भरना चाहते थे, पर it was really well with रुमाली रोटी. I think रुमाली रोटी के साथ खाना बनता है. तो I'm always worried about getting disappointed. Yeah. पर it did not happen. नाम बड़े और दर्शन छोटे, पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है. जैसे नाम वैसे दर्शन, बहुत ही बढ़िया. I think अब ये कबाब खाने के बाद I can confidently recommend people, if you come to Jama Masjid area, do not forget to have Sikh kebab from Qureshi Kebab Corner. Yeah. And I would recommend the chicken one. I'm seriously looking forward to galauti kebabs. Galauti kebab maine yahan pe kabhi nahi khaya pehle, so I would like to explore it for sure. एक जगह ढूंढी है यहाँ पे, जहाँ पे कि बहुत बढ़िया गलावटी कबाब मिलता है। तो लेट्स सी, आकांक्षा बहुत दूर निकल गई है, वो देखो। सो यहाँ पे बेसिकली हर रेस्टोरेंट का हिस्ट्री है, बहुत सालों से चले आ रहा है यू नो मुगलाई फूड एंड ऑल, बट ये रेस्टोरेंट को देख के लग रहा है शाही महफिल कि ये थोड़ा नया बना है कि नहीं। दे अपेरेंटली हैव नाइस स्पेस टू सिट इनसाइड। या तो हम काफी देर से एक्सप्लोर कर रहे हैं, विल सिट इन। चलते हैं फिर बैठते हैं। Finally got to sit. मतलब चांदनी चौक में जब कोई आता है या जामा मस्जिद में खाने, तो दे थिंक लाइक कि हाँ रोड साइड स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट साइड कबाब और ये सब बहुत अच्छा मिलता है, बट ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं। सर मटन गलावटी कबाब हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कर दीजिए। और काकोरी कबाब फुल। सर इसके साथ क्या रोटी, रुमाली खानी चाहिए? रुमाली, खमीरी, खमीरी, एक खमीरी एक रुमाली। आया और खा लिया, छोटी बच्ची हो गया। This is काकोरी कबाब, right? I'm not gonna wait, sorry. यार it did not even felt like I ate something. ये इतना soft है कि आपको actually नहीं लग रहा कि आपके पेट में कुछ जा रहा है। रुमाली रोटी, कबाब और चटनी। हमारा गलौटी अभी तक आया भी नहीं है। मतलब इतने अच्छे से एक दूसरे के लिए बने हैं ना ये लोग। आई नो, सीख कबाब जो हमने खाए थे दे वर वेरी ऑयली बिकॉज़ दे हैड गार्निश्ड इट विद ऑयल एज वेल। इट्स नॉट दैट ऑयली। मैं
मैं सोच रही थी काकोरी और गलौटी में क्या डिफरेंस है. द डिफरेंस इज दिस वन इज लिटिल मोर क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड. व्हाट इज दैट घी या बटर का टेस्ट? मुंह के अंदर का तो छत होता है ना, उस पर चिपक गया, इतना गर्म था. जो डिफरेंस है इस गलावटी कबाब में और जो लाइक लखनऊ की स्पेशलिटी है गलावटी कबाब, कि ये डीप फ्राई हुआ है तो इसका ऊपर का जो लेयर है वो बहुत क्रिस्पी हो गया है, बट अंदर इट रिमेंस सॉफ्ट. बट जो वहाँ कबाब बनता है वो घंटों तवे पे ही पड़ा रहता है, बट इट स्टिल टोटल सॉफ्ट बाहर भी अंदर भी. सो थोड़ा डिफरेंस तो है, बट काकोरी इज टू गुड, 10/10 फॉर काकोरी. दोनों कबाब्स में 360 रुपीज. फॉर दिस प्लेस इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे आपको 200 रुपए के भी कबाब प्लेट मिलेंगे, 160 रुपए के भी मिलेंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी. लेट्स लुक फॉर शरबत इन द मीन टाइम. शरबत पीते हैं भाई. इतनी बड़ी कचौड़ी कभी जिंदगी में देखी तुमने? कौन सा वाला लेना है भैया? कौन सा वाला पिलाएं आपको, नफरत पिलाएं या मोहब्बत पिलाएं? एक नाम नफरत है, एक नाम मोहब्बत है. मुझे मोहब्बत दे दीजिए. ऑब्वियसली मोहब्बत लाल होगा. नहीं, उसका नाम नफरत क्यों है? लेकिन वो नफरत से बरस से बोलता है. मुझे नफरत दीजिए सर. नफरत बहुत सही है भाई. सो आई थिंक दिस हैज वाटरमेलन एंड रूह अफ़ज़ा एंड मिल्क शुगर और इसमें दूध भी है. उसमें क्या है? नफरत में क्या है? एप्पल है इसमें. अगले महीने हम अपडेट कर रहे हैं शरबत ब्रेकअप, वो पाइनएप्पल का बनाएंगे. सो 30 रुपीज का मोहब्बत शरबत एंड 30 रुपीज का नफरत शरबत. टेस्ट में क्योंकि आप वाटरमेलन फैन है तो आप मोहब्बत लीजिए, लेकिन नफरत भी बहुत अच्छा है. नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू गो टू करीम्स. करीम्स इज वेरी पॉपुलर. जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था आई वेंट टू करीम्स एंड आई लव्ड इट. माइंड इज गोइंग टू ब्लोन हो गया था मेरा तो खा के. हैव यू हैड निहारी करीम्स में? नॉट रियली. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना ट्राई, निहारी. लेट्स गो. सो सरप्राइजिंगली आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बोर्ड यहाँ पे देखेंगे, बट करीम्स का बाहर आपको कहीं नहीं दिखेगा, बट जब आप अंदर जाओगे इट इज़ अ कॉलोनी ऑफ रेस्टोरेंट्स. तो दिस होल प्लेस इज करीम्स. इनके 1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक बैठने के जगह जहाँ पर आप खा सकते हो. सो करीम्स इस जगह पर सबसे फेमस रेस्टोरेंट है अकॉर्डिंग टू मी एंड माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत खाना खाया है. Also, you should come with friends because that's the reason I think I'm having so much fun. Definitely. Because Satyam yeah, and also, of course, you can't see the crew, but the crew is here as well. So we are having a lot of fun just exploring this place. अकेले आदमी थोड़ा बोर हो जाएगा. खाना तो अच्छा मिलेगा लेकिन थोड़ा बोर हो जाएगा, क्या नहीं? According to Satyam, हमें यहाँ खाना चाहिए निहारी. हाँ, we should go for निहारी and इनका एक starter है chicken burra and mutton burra. That is very good. It's like a roasted chicken and mutton. सुपर डुपर बढ़िया पीसेस दीजिएगा, मुझे मजा आ जाए खा के. नींबू भी दिया है. नींबू दिस इज लाइक अ तंदूरी चिकन बट लिटिल आई थिंक इट्स फ्राइड राइट. इट इज फ्राइड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चिकन की जो टांग है ना, इट्स सो जूसी एंड इट्स नॉट एज मसालेदार एज लाइक अ तंदूरी. I cannot believe I've never had chicken burra yahan pe. Nihari aa gayi. Thank you sir. Thank you so much. I want to move on to the nihari. Can I please? You can. Oh my god. Aha ha. Yahan pe main ek baat bolna chahta hu. Sab maximum log nihari galat khate hain. Pata hai kyun? निहारी इज़ अ ब्रेकफास्ट डिश. निहार मीन्स मॉर्निंग. तो ये जब बनी थी तो ये ब्रेकफास्ट के लिए ही बनी थी. Isn't it too heavy for a breakfast? But it is supposed to be a breakfast. Actually, it was also cooked overnight, na? Because it's slow cooked. Yes, it's like 7-8 घंटे लगते हैं इसको बनाने में. अब यहाँ खड़े हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, सही कह रहा हूँ? सब पता है मेरे को, बस मेरे को करीम्स में नौकरी चाहिए. शीरमाल ला दो, बिना शीरमाल के तो हम मानेंगे नहीं. तो हमारा शीरमाल आ गया है. अकॉर्डिंग टू सत्यम निहारी खाई तो शीरमाल के साथ, अगर ना खाई तो क्या खाई? हाँ, शीरमाल थोड़ी मीठी होती है.
what I like about this place is you don't have to wait for the food a lot. A lot of it is slow cooked se pehle se ban raha hai. Thank you sir. Hello ji. इसमें से ये आपका भैया सर वो मीठा तो दिया ही नहीं आपने भैया मिश्री लेने गए एक मिनट वेट करो मुंह मीठा करके जाएंगे भाई ये लो ये लो ये लो सो वी हैव 2157 रुपीज लेफ्ट विद अस तो हमने काफी ज्यादा स्पेंड कर दिया है सो अनदर गुड आइडिया टू कम हियर वुड बी कम विद समवन हु हैज एक्सप्लोर्ड दिस प्लेस बिफोर आई टोटली एग्री विद बिकॉज़ सत्यम को पता था शीरमाल के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा ये करो वो करो अगला स्टॉप पिट स्टॉप कहां लेना आकांक्षा तुम बताओ अल जवाहर चलते यू आर टॉकिंग अबाउट द चिकन चंगेजी चलो तो हम आ गए अल जवाहर में इस करीम से लिटरली हम पांच कदम दूर हैं पांच कदम दूर हैं सो करीम से अल जवाहर एकदम पड़ोसी हैं लिटरली और ये जगह अल जवाहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इनॉग्रेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और हमने थोड़ा रिसर्च किया हमें पता चला यहाँ की चिकन चंगेजी यस चिकन चंगेजी सुपर फेमस बेस्ट सेलर कह सकते हैं यहाँ का सो वी मस्ट ट्राई ऑफ कोर्स एक फुल चंगेजी एंड खमीरी रोटी हाय यहाँ पे वॉकी टॉकी से ऑर्डर हो रहा है भाई देख रहे हो भैया एक बात दो ना मैं बोलता हूँ लाओ एक बढ़िया आलू गोभी के पकौड़े दो पराठे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू ओके टशर क्योंकि वो बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन सुपर्ब वाओ दिस स्मेल्स वेरी गुड आई थिंक द डिफरेंस इज कि इसका जो ग्रेवी है ना It's not as silky, it has more texture than butter yes, chicken. Yes. Chicken is also kind of like coal pe pakaya hua. Oh, it's roasted. It is not like butter chicken. Huh? Butter chicken se bahut zyada spicy hai. Kab nahi hai yaar. Agar bola jaye to it's very achari. या थोड़ा खट्टा इफ यू आर समवन जिसको बटर चिकन या मीठा थोड़ा मीठा पैलेट वाला चिकन और ये सब पसंद नहीं है गो फॉर दिस वन यू विल लव इट आई मीन जामा मस्जिद फूड प्लेसेस स्टार्टेड ऑफ विद लाइक अ स्मॉल स्टॉल जहां लोग इकट्ठा होकर खाते थे प्रॉपर स्ट्रीट फूड ओवर टाइम दे हैव ग्रोन इनटू प्लेसेस वेयर यू कैन सिट कंफर्टेबली एंड ईट तो There's a reason all these places survived for so long. कि वो किसी को अपनी रेसिपी नहीं बताते हाँ that too. अगर अगर तूने भैया से तू कलवा लिया ना इसका रेसिपी तो मैं तेरे को हजार रुपये दूंगी हजार रुपये दोगी हाँ किसी ने ऐसा बोला कि इसकी रेसिपी बताओ मैं आपको पैसे दूंगा ऐसा कभी बोला किसी ने तो आपने सोचा कि कोई अगर मेरे को बोलेगा क्या पता मैं बता दूँ नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ और वी ओनली ये अच्छी बात है या बुरी बात है आई डोंट नो कि लेकिन मेरे अभी तक यहाँ तक मैं नहीं खाया इट्स नॉट लाइक फुल आई एम नॉट लाइक कंप्लीटली फुल सर ये तो आपको दिया था मैंने डू यू वांट टू हैव लस्सी आई वुड लव टू हैव लस्सी किधर है हम वैसे बिरयानी खाने जाने वाले थे बट आई हैव डिसाइडेड For both of us that we are going to have lassi first. Akansha is like, biryani is not enough. Lassi se pehle apna pet aur full karte. Come on. Oh, super thanda bro. So the lassi was 50 bucks each. So 100 rupay aur kharch hue. Now we have around 1000 bucks to spend. Kuch cheeze hain abhi bhi bachi hui jo hame khani hai. Like biryani. पुरानी दिल्ली फतेहपुरी जमा मस्जिद चादर चौक लाल किला का मैसूर रोड क्या है भाई साहब ऑनेस्टली बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं सोचा था कि जैसे ही 10:30-11 बजे का यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो जाएगी बट आई वॉज रॉन्ग दिस इज 12 इट्स एक्चुअली गेटिंग मोर क्राउडेड ये जगह और पूरी दिल्ली में भी कितना फर्क है द मोमेंट यू लीव दिस लेन द फेस्टिविटीज आई थिंक गॉन पॉइंट टू बी नोटेड सबको लगता होगा कि इस लेन में कबाब एंड बटर चिकन एंड ये सब बहुत अच्छा मिलेगा मुगलई फूड मुगलई क्यूजिन बट पिज्जा पॉइंट मिल रहा है वो देखो दैट टू KGF देयर इज अ बेकरी ऑल्सो और मुगलई फूड भी मिलता है सो एवरीथिंग फॉर एवरीवन तो फाइनली मंजिल पे पहुंच गए हम जामा मस्जिद एरिया में पूरे सबसे फेमस बिरयानी तौफीक जी की बिरयानी ऐसा हमें बताया गया है
बहुत ही पतली सी गली है जहाँ पे ये दुकान है और बहुत भीड़ हो गई है इस टाइम, इससे बहुत शोर भी सुनाई दे रहा होगा आपको। चीयर्स। माइंड इज गोइंग ब्लोन। मैंने जामा मस्जिद में कभी पहले बिरयानी ट्राई नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि बिरयानी यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है। इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग बिरयानी, और जो लोगों ने बताया कि तौफीक की बिरयानी फेमस है उनसे पूछ के ही टोटली वर्थ इट। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्चुअली कम से कम 10,000-20,000 लोगों को क्रॉस करते हुए आना पड़ा, इतना भीड़ था। तो दिस भीड़ टेल्स यू कि इतने सारे लोगों ने मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए, बिकॉज दे वांट टू ईट दिस बिरयानी। बट आकांक्षा, यू रिमेम्बर हमने कुछ दिन पहले वीडियो में वेज बिरयानी खाई थी, कटहल बिरयानी, आलू गोभी बिरयानी, रिमेम्बर दैट? द आलू गोभी वॉज नॉट बैड, आई रियली लाइक इट। तो वो वाला वीडियो भी देख लेना आप, यहाँ पे आई लिंक में आ जाएगा। हमने वेज बिरयानी ट्राई की थी 3 टाइप की, सो प्लीज वॉच इट। 160 रुपीज़ में हमने बिरयानी भी खाई 2 लोगों ने, हमने नींबूज भी पिया, हमने पानी भी पी। चावल नहीं खाना चाहिए था, नशे चढ़ गए सर पे चावल। चावल खा के तो सही में जो नींद आती है ना, बस वही हो रहा है अभी। थैंक यू सर। ऑलराइट, टाइम टू पुट सम लॉट ऑफ बटर ऑन दिस वीडियो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं असलम बटर चिकन। And it's famous for its butter chicken in Chandni Chowk, Jama Masjid area. And अभी इतनी भीड़ है ना असल बटर चिकन पे, इतनी भीड़ है क्या बताऊँ। इसके पीछे भी भीड़ है, अच्छा दिख नहीं रहा क्योंकि इतने लोग हैं। It's some kind of a miracle that we found a table. Butter chicken, full रुमाली रोटी, it's super famous here, so obviously हम वही खा रहे हैं। Are you excited? Or are you full? I'm full. I'm very excited to go home now. These are one of the few last things we are eating here. I think इसके बाद we'll mostly stay like eat dessert. Dessert, full खाते हैं, पूरा रेगिस्तान बना लेंगे। मैंने ऐसा बटर चिकन नहीं देखा कभी। इट इज लिटरली बटर एंड चिकन। यस, एग्जैक्टली, हम यही बात कर रहे थे अभी। लाइक आपको इसके अंदर चिकन के पीसेस दिखेंगे, बटर दिखेगा बहुत सारा तैरता हुआ, एंड दैट इज इट। बट लुकिंग एट ऑल द भीड़, आई एम होपिंग दिस विल बी वेरी गुड। या आई रियली वांट टू नो व्हाट इज द हाइप। तंदूर करके चिकन इसमें डाला गया है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मसाला है जिसमें बहुत सारा टेस्ट है, ठीक है। इट्स स्पाइसी, इट्स थोड़ा खट्टा, इट्स अचारी टाइप का भी है थोड़ा, सो इट इज, इट हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। बट हमारे दिमाग में बटर चिकन इज लाइक अ मोती महल बटर चिकन, यू नो। सो आई विल बी ऑनेस्ट, नॉट एग्जैक्टली माई फेवरेट। आई थिंक प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने ओवर बिल कर लिया अपने हेड में। हाँ। अब ये थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। इसके प्राइस है 580 रुपीस फॉर अ फुल प्लेट। हमने फुल मंगा लिया, बट आई थिंक वी कुड हैव डन विद हाफ एज वेल। यस यस, मैं ये घर ले जाऊंगी अभी, देखो खत्म करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। कल बटर बटर करते हैं। असलम भाई बॉट सम बटर, बट द बटर वाज बिटर, सो असलम भाई बॉट सम मोर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ये मैंने बात, लेट्स गो, इसी बात पे मैं मुंह मिटा करता हूं। I like to eat jalebi and I cannot lie. बहुत सारे मिठाइयों का मिक्स है, मालपुआ, गुलाब जामुन, जलेबी ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ शेप, सो या आई वुड रिकमेंड इट। इफ यू कम योर ट्राइड। ये 3 पीस थे 50 रुपीज के, द होल प्लेट। हमारे पास अभी भी अराउंड 250 बचे हैं। बहुत चीनी है। We finally found the famous Shahi Tukra place and hopefully this is the last stop for tonight. And it's called Pool Point. बहुत गर्म है भाई। कितना हुआ इसका? 70। यार मैंने ना शाही टुकड़ा पहले कभी ज़्यादा खाया नहीं। I've had it like once before. I did not like it much, but मुझे नहीं पता, this Jama Masjid one is amazing. I'm actually done with the day, bro. I'm so, I have, I'm all.
ऑलमोस्ट इन अ फूड कोमा। सो हमने आज दिन भर इतना खाना खाया बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड टू दिस, व्हाट डू यू थिंक? इट इज एक्चुअली द बेस्ट, बट अभी एंड हुआ नहीं, वी स्टिल हैव 80 रुपीस लेफ्ट और हम वही अपने घर के लिए एक एक शीरमाल लेके, वो 80 रुपीस का हम यूटिलाइज यहाँ नहीं कर रहे, वो 80 रुपीस के लिए हम दो शीरमाल खरीद रहे हैं और हम अपने अपने घर लेके जाएंगे एंड कल सुबह खाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो व्हाट अ डे। हमने शुरू किया था 6 बजे, हम यहाँ शुरू किया था, हमने 6 बजे पहुँचे थे, 6:30। इट इज नाउ 2:06 सुबह के, एंड लुक एट द मार्केट, इट लुक्स लाइक कहीं का 7-8 बज रहा हो मार्केट, वैसी हालत है। बेसिकली आई हैडंट कम हियर फॉर फूड एवर, सो माई एक्सपेक्टेशंस वर सुपर लाइक हाई एंड आई किड यू नॉट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस लिव्ड अप टू द हाइप। कुछ चीज़ें मैंने पहले ट्राई की थी, कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं ट्राई की, लाइक अ बिरयानी, आई लव द बिरयानी, बहुत मज़ा आया मेरे को, बहुत ही छुपी हुई ट्रेजर टाइप की चीज़ थी, तो अगर आप लोग भी आओ तो, बट जो वाइब था आई लव दैट, कि एकदम फेस्टिव सीजन वैसा वाइब था। एंड फूड के बारे में तो आई हैव नो वर्ड्स मैन, आई थिंक माय फेवरेट वाज स्टिल द चिकन चंगेजी विद खमीरी रोटी, बिकॉज़ आई हैव स्टिल थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर फॉर शीरमाल एंड निहारी, आई स्टिल लव इट, बट चंगेजी वाज वेरी 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 गुड। अगर आपको स्पाइसी पसंद है, दो लोगों के लिए 5,000 रुपए बहुत ज्यादा है, हमारे 5,000 इसलिए खर्च हुए बिकॉज़ वी शेयर द फूड विद द क्रू, हाफ ऑफ द मनी लाइक 3,000 मैक्सिमम यू कैन ईट प्रीटी वेल, ईट लाइक दो लोग अच्छा खासा, मतलब दो मील खा के जाओगे यहाँ। वी एक्चुअली स्ट्रगल टू यू नो स्पेंड द मनी, क्योंकि यहाँ पे खाना कंपेरेटिवली वेरी चीप है, क्वालिटी अच्छी है बट इट्स चीपर, तो वी सर्च द प्लेसेस, वी वेंट टू ऑल द कॉर्नर्स एंड स्पेंड, हमने जलेबी भी खाई, हमने 3 टाइप के डेजर्ट भी खाए, हमने शरबत भी पी, लस्सी भी पी, हमने आइसक्रीम भी खाया, सो वी हैड एवरीथिंग। सो आई सजेस्ट आओ रमजान के वक्त आओ, बिकॉज रौनक ही अलग है, and enjoy, come with friends, come with someone who knows the places, and it'll be amazing, and I'm proud of us that we did this, because it took everything. Abhi hum bahut tired hai, to hum to ghar ja rahe hai, par aapko pata hai na kya karna hai, aapko is video ko like karna hai, kyunki hum dono ne aur crew ne bahut mehnat ki, to is video ko like kijiye, comment karke batana aapko sabse acha yahan ka kya lagta hai ya kya aap try karna chahoge, and शेयर करना मत भूलना एंड कीप वॉचिंग। ओके टेस्टेड, ये कमेंट करके बताना हम अगली बार कहाँ जाएं, कहाँ का फूड एक्सप्लोर करें, कहाँ पैसे खर्च करें, ठीक है? हम दोनों ही जाएंगे, मस्त खाना खाएंगे, लेट्स गो, आई एम वेरी टायर्ड, लेट्स गो, दिल्ली अभी दूर है, वो इधर जाना है।